कक्रोली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोकश बदमाश को घायल कर एक जिंदा बछड़ा व अवैध हथियार भी किए बरामद। मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के कुशल मार्ग निर्देशन में कक्रोली थाना अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा और उनकी टीम के द्वारा मुठभेड़ में अपराधियों को शिकस्त देते हुए नजर आ रही हैं तथा वहीं अपराध कंट्रोल कर वे जनता के लिए अपने व्यवहार को मधुर बनाकर पुलिस का इकबाल बुलंद करते हुए रहते हैं। थानाध्यक्ष कक्रोली सुनील कुमार शर्मा उच्च अधिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे अपराध उन्मूलन अभियान को थानाध्यक्ष कक्रोली सुनील कुमार शर्मा के द्वारा अमली जामा पहनाते हुए लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आज भी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक और शातिर अपराधी को अपनी जान की परवाह किए बिना थाना कक्रोली पुलिस टीम ने एक टीम वर्क के चलते एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करते हुए आमजन को राहत प्रदान की है तथा पुलिस का इकबाल बुलंद किया है। कक्रोली पुलिस द्वारा जो है जटवाड़ा नहर पे चेकिंग की जा रही थी, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो है गोकशी करने जा रहे हैं, तो पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची तो उन पर पुलिस पे जो है जान से मारने की नीयत से जो है फायर किया गया। पुलिस ने जो है अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई में एक गोकश को जो है गोली लगी है, दूसरा फरार है, उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। सर क्या नाम है सर आरोपी? इसका जो है अमन पुत्र पप्पू है, खालापार से है। इसका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो इस पर लगभग आधा दर्जन अभी तक मुकदमे प्रकाश में आ चुके हैं और ये जो अंतर जनपदी है, कुछ मेरठ के मुकदमे हैं, कुछ मुजफ्फरनगर के मुकदमे हैं। बरामदगी क्या है सर? बरामदगी से गौकशी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, साथ में जो है एक तमंचा प्राप्त हुआ है, तीन कारतूस प्राप्त हुए हैं, एक मोटरसाइकिल प्राप्त हुई है।